आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ कोरोना है लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान लगातार मचा हुआ है। रैलियों में हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। रैलियों में ना तो मास्क लगा रहे हैं लोग और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार किया जा रहा है। इसी गहमा गहमी के बीच में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है और इस चिंता के विषय को लेकर कई उम्मीदवार भी संक्रमित बताए गए हैं, क्योंकि गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बाहर के जो लोग हैं पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम ममता ने भी ये कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराना बंगाल का अपमान है। बंगाल शांतिप्रिय राज्य है, बीजेपी बंगाल में लगातार लड़ाई करवाकर बंगाल की छवि खराब कर रही है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक चुनाव कराया जा रहा है, टीएमसी ने इसका विरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया। कोई राज्य अगर मांग भी करता है तो उसे नहीं दिया जाता है। पीएम केयर्स के पैसे को क्यों नहीं वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया? मैंने वैक्सीन की मांग की जिससे राज्य में सभी लोगों को फ्री में टीका लग सके, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना को देखते हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने की मांग की है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि 3 चरणों के चुनाव को एक साथ कराया जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी 4 चरण बाकी हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मांग कर रही है कि इन फेजेस को अब एक साथ किया जाए ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, ताकि कोरोना से बचा जा सके। हालांकि पहले से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाती आई है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, जिसके चलते आज ये स्थिति हो गई है। लगातार रैलियां हो रही हैं, हजारों लाखों लोग रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं, ना तो मास्क वहां पर लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी राजनीतिक दलों को दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, भीड़ जुटाई जाती है। कोरोना एक तरीके से पश्चिम बंगाल से गायब है, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, उसके बाद से लग रहा है कि शायद कुछ बदलेगा। लेकिन रैलियां लगातार हो रही हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की रैली हो या फिर टीएमसी की रैली हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी रैली हो तो उसमें हजारों लाखों लोग जुटते हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव, यानी चुनाव यहां पर है, सत्ता की कुर्सी के आगे कुछ भी दिखाई राजनीतिक दलों को नहीं दे रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, केंद्र और कई राज्य सरकारों के बीच में कहासुनी इस बात को लेकर चल रही है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ में जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो। लगातार शिकायत इस बात को लेकर भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शमशान घाट के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर मृतकों को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शव दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ही एक कचरे की गाड़ी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव के शव को ले जाया जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अस्पताल में जगह नहीं है और ना ही एम्बुलेंस में जगह है, क्योंकि एम्बुलेंस लगातार व्यस्त हैं मरीजों को हॉस्पिटल लाने में, जिसके चलते कचरे की गाड़ियों में अब कोरोना मरीजों के जो शव हैं उनको शमशान घाट तक ले जाया जा रहा है। कई वीडियो ऐसे हैं जहां की वीडियो वायरल हुई, कई जगह ऐसी हैं और उन शवों को ढकने के लिए अब टीन शेड भी कई जगह पर लगा दिए गए हैं। तमाम डराने वाली तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो। तस्वीरें एकदम डराने वाली हैं,
जिनसे साफ जाहिर होता है कि लापरवाही किस तरीके की सरकार की है और लापरवाही किस तरीके की स्वास्थ्य विभाग की है। ना तो स्वास्थ्य विभाग सीरियस इस पूरे मामले को ले रहा है और ना ही सरकार इस पूरे मामले को सीरियस ले रही है। सिर्फ और सिर्फ लोगों का एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, मरीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कोरोना मरीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर किसी की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है तो उसकी दुर्दशा क्या हो रही है वो वायरल वीडियो साफ बता रही हैं। उसकी दुर्दशा क्या हो रही है वो वायरल वीडियो में साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितना प्रशासन जागरूक है, कितना स्वास्थ्य विभाग जागरूक है। लगातार दावे किए जाते हैं अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से कि कोरोना मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे लगता नहीं कि कोरोना मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति लगभग हर राज्य की तस्वीरें दिखा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को लेकर। देश की राजधानी अगर दिल्ली की भी बात कर ले तो वहाँ पर कई तरह की पाबंदियाँ तो लगा दी गई हैं, कई रेस्ट्रिक्शंस देश की राजधानी में लगा दिए गए हैं, इसके बावजूद मरीजों की बेकदरी वहां पर की जा रही है। जो कोरोना मरीज हैं, अगर किसी की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है तो शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है। बिहार की तस्वीरें तमाम निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर कई कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है मृतक के परिवार वालों को, वह भी शमशान घाट में जाकर। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल जी शुरुआत आपसे ही करूंगी, कोरोना से डर नहीं लगता, चुनाव हारने से लगता है। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना ऐसा एक वायरस है जिससे हमें क्या सबको बचने की आवश्यकता है, सबको बचने की आवश्यकता, अपना ख्याल रखना है और दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की जो बातें की गई है उसको दायरे में रखना है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप जो अपना आपके मन में जो एक सवाल चल रहा होगा कि रैलियां में ये सब तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको इस चीज का विश्वास दिला दूं कि जो रैलियां भी हमारे यहाँ से चलाई जा रही है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के ही अनुसार चलाई जा रही है। और दूसरी बात ये है कि जो भी उसके अंदर जो भी लोग मौजूद रहते हैं वो सैनिटाइजर। राहुल जी एक काउंटर क्वेश्चन मेरा शुरुआत में सुनिए, काउंटर क्वेश्चन मेरा शुरुआत में सुनिए। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक ही रैलियां चलाई जा रही है, चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा ना कि वहां पर बगैर मास्क लगाए लोगों को बुलाओ, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कह दिया ना? अगर जिस पार्टी की रैली हो रही है ये तो उस पार्टी का ध्यान है ना किस तरीके से लोगों का ख्याल रखना है, किस तरीके से बाहर चेकिंग होनी चाहिए, एंट्री गेट पर एग्जिट गेट पर क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा होगा? देखिए काजल जी, आपकी जो आपने जो बातें की हैं उसमें मैं थोड़ा सा आपको खंडन कर दूं कि जो एंट्री गेट है वहां पे मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करा ली जा चुकी है और जो लोग अंदर प्रवेश करते हैं उनका कोविड का टेस्ट भी किया जाता है, टेस्ट जो सामने से जो मेजरमेंट मशीन है उससे किया जाता है, तो ये करने के बाद ही उसमें दाखिला मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो परिस्थिति है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे ना, तस्वीरों को नहीं नकार सकते। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन आपको मैं एक बात ये भी बता देना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन हम सबको करना चाहिए। और दूसरी बात है जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो मास्क मिल पा रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वो मास्क खोल देते हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार में भी जब कोविड का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो सबसे पहले बिहार ही वो दर्पण बना था, जब लोगों को ये पूरे देश में मैसेज दिया गया था कि कोविड रहते हुए बिहार में चुनाव कराई गई थी और उसमें रैलियां भी हुई थी और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था और कोरोना के मानकों का पालन भी किया था। ठीक उसी प्रकार बिहार के दिखाए गए रास्ते पे और उसके राहुल आनंद जी आप शायद भूल गए, राहुल आनंद जी जो परिस्थिति अब हो गई है ना ये बिहार इलेक्शन के टाइम पर नहीं थी, बिहार इलेक्शन के टाइम पर था कोरोना, लेकिन इस समय जो परिस्थिति हो गई है तकरीबन 2 लाख केसेस होने वाले हैं देश भर में एक दिन में जो कि 24 घंटे में सामने आ रहे, बिहार इलेक्शन के टाइम पर यह परिस्थिति नहीं थी।
तो अगर आप वहां का उदाहरण पेश करें तो वो तो गलत है। देखिए काजल जी, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे हमें यथासंभव शक्ति प्रदान हो और ये पूरे देशवासियों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो कोविड है, जो सेकंड स्टेज जो कोविड का आया है, उसमें ये जरूर है कि ये खतरनाक है, ये चीज मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसमें एक सभ्य समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना मदद किस प्रकार से करते हैं। जहां तक सरकार जो गाइडलाइन सरकार ने जारी कर रखा है और जो उसका पालन करना है, और दूसरी सबसे बड़ी मतलब रैलियों में रैलियों की भीड़ इसी तरीके से रहेगी, रैलियों की भीड़ बरकरार रहेगी। मैं आपको उसका जवाब ही दे रहा था कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के अंदर में वेस्ट बंगाल आ रहा है फिलहाल, वहां की जो भी सरकार की शक्ति है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, चुनाव आयोग के अंदर है, तो चुनाव आयोग को इसके ऊपर निर्धारित करना है। राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी तो बनती है ना, ठीक है, इस सवाल से तो नहीं भाग सकते ना, ठीक है, आऊंगी आपके पास, क्योंकि सवाल से आप नहीं भाग सकते, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। अगर रैली करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, रैली करने के लिए वहां पर कैबिनेट मंत्री जाते हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। चुनाव आयोग वहां पर देखेगा नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर आकर नहीं देखेंगे कि लोग मास्क लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी आप लोगों को खुद को निभानी पड़ेगी। संजय चक्रवर्ती जी, मतलब जितनी भी रैलियां हो रही है, सिर्फ बीजेपी की रैलियों की बात नहीं हो रही है, टीएमसी की भी रैलियां इस तरीके से हो रही हैं, और ममता बनर्जी जहां पर भी जाती हैं, लाव लश्कर उनके साथ होता ही होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस परिस्थिति में यही कहूंगी मैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी से प्यार है और कुछ नहीं है, राजनीतिक दलों को सिर्फ कुर्सी से प्यार है। देखिए ऐसा है, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो यही कहा जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि आज बंगाली समाज का नववर्ष है, आज आप सबको हमारी तरफ से और हमारे समाज की तरफ से पूरे भारतवर्ष को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अब आते हैं कि हमारे यहाँ से जो आप लोग बता रहे हैं, ये जो जिम्मेदारी है ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ठीक है, और राहुल गांधी जी को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि ये जो मैंने कहा कि पहले कोविड टेस्ट होता है फिर उसके बाद रैली पे आता है, यहाँ कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है। अगर कोविड टेस्ट होने के बाद अगर रैली पे आने लग गए तो कोविड का रिपोर्ट आते आते तो 3 दिन लग जाएगा, रिपोर्ट आते आते तो रैली कब होगी, किस समय रैली होगी, इमीडिएट टेस्ट हो रहा है, इमीडिएट जो है वहां मिला जा रहा है, लाखों लोगों की भीड़ है, टेस्ट करते करते 2 दिन चला जाएगा, तो टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो है इतना लंबा चौड़ा जो है क्यों रखा, किस लिए रखा, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है संजय चक्रवर्ती जी, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार बात बता रही है, चुनाव आयोग तय करता है, राज्य सरकार कुछ नहीं तय करती है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से मिली भगत के रूप में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है, जिसका 8 स्टेट में चुनाव कराया गया। ये जैसे तमिलनाडु में 1 स्टेट में चुनाव हो गया था, ये भी 1 स्टेट में हो सकता था, क्योंकि इनको पता था तमिलनाडु में। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल सुनिए, राज्य में क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, क्या पाबंदियां लगानी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, पहले ये बताइए। राज्य सरकार के निश्चित रूप से जिम्मेदारियां बनती है, लेकिन उस समय सारा का सारा गेम तो पाला तो चुनाव आयोग के पास है, वर्चुअल रैली क्यों नहीं करवा रही है? आपने एक बार भी कहने की कोशिश, आपने चुनाव आयोग से ये कहने की कोशिश नहीं की। हमारी तरफ से शुरुआत में रिपोर्ट गई थी कि वर्चुअल रैली करवाया जाए, तो वर्चुअल रैली जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे राज्यपाल के साथ जो है पहले वो करते हैं अपना वर्चुअल रैली को मीटिंग करते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के साथ करते हैं, और दूसरे दिन जाके लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित भी करते हैं, तो तोड़ कौन रहा है, नियम कौन तोड़ रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की है। आप देख रहे हो कि अगर वो नियम तोड़ेंगे तो आप भी तोड़ेंगे, अगर वो नियम तोड़ेंगे, एक मिनट, अगर वो नियम तोड़ेंगे, पहले सुनिए आप, अगर वो नियम तोड़ेंगे तो आप भी तोड़ेंगे, अगर वो नियम तोड़ रहे हैं तो कम से कम थोड़ी सी शालीनता आप दिखाइए। हमारी तरफ से ममता दीदी जब भी रोड शो करती है आप देखेंगे मास्क के साथ रोड शो करती है, अमित शाह जी को देखिएगा आप कभी मास्क नहीं लगाते। ममता बनर्जी की रैलियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी की जो रैलियों की तस्वीर है ना संजय चक्रवर्ती जी, एक मिनट सुनिए, ममता बनर्जी की जो रैलियों की तस्वीर है ना वो इस समय ANB की टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है, उन्हीं की रैलियों की। प्रधानमंत्री की जो रैलियां होती हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी की जो रैलियां होती हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरों में हजारों लाखों लोग हैं, कोई नहीं मान रहा सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है, कोई नहीं मान रहा। ये हम तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग के पाले में है, इस चुनाव को रद्द करवा देना चाहिए, कम से कम 3 महीने बाद भी चुनाव हो सकते थे लेकिन नहीं करवाया गया, इसको अभी कराने क्या जरूरत है जब लाखों लोग जो है मर रहे हैं,
कोविड का जो है पालन नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो ऐसे चुनाव से क्या फायदा, जीत से क्या फायदा जब जनता ही ना रहे आपके साथ, तो जनता की हालत खराब हो रही है, बेड नहीं मिल रहे, दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हर चीज में अकाल पड़ा हुआ है, तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस किस लिए, क्यों? हम तो नहीं चाहते कि हम, मेरे भी जनता सबसे पहले है, पब्लिक जिंदा है तो हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, पब्लिक ही नहीं रहेगा। ठीक है, राहुल आनंद जी मेरा सवाल सुनिए, राहुल आनंद जी चुनाव जीतेंगे या फिर कोरोना से जंग जीतेंगे? देखिए काजल जी, मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि संजय जी ने एक बात कही कि यहाँ पे टेस्ट नहीं की जा रही है, तो मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन इस बात को कहा था कि वो जो इंफ्रा रेड गन है उससे टेस्ट करके अंदर भेजा जाता है। ये मैं भी जानता हूँ कि आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे या वो टेस्ट करेंगे उसका रिपोर्ट जल्दी नहीं आएगा। और दूसरी बात जो आपने एक सवाल की है कि कोरोना जरूरी है या चुनाव में लड़ना जरूरी है, तो ये मैं आपको बता दूं कि देश की जो मौजूदा सरकार है वो हर प्रकार से सबल है और अपनी बातों को और देशवासियों की रक्षा करने के लिए वो तत्पर है। बातों से कुछ नहीं होता राहुल जी, बातों से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर फैसला लेना है। अगर वो कहती है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, स्थगित होना चाहिए, तो सरकार भी तैयार होगी, क्योंकि सरकार के बस में पश्चिम बंगाल नहीं है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो चुनाव आयोग उसके लिए मालिक है, ये हमें स्वीकार करना होगा। और वो डिसीजन लेंगे तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं वहां, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बचाव के साथ अगर मजबूत नेतृत्व की सरकार रहती है तो उन स्थितियों को कंट्रोल करने में आसानी होगी। जी संजय चक्रवर्ती जवाब दीजिए, मतलब वो तो चुनाव आयोग के कहने से चलेंगे, आप भी देखिए ऐसा बात, सरकार कोविड को लेकर कहीं सीरियस नहीं है किसी तरीके से। जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में जो है आप देख रहे हो इस समय कुंभ का मेला जो है, लाखों लोग जो है इसमें नहा रहे हो, उसमें लाखों लोग, एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा। अब मजेदार बात है कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो बताते हैं कुंभ में नहाने से कोविड नहीं होता। मतलब ऐसे देश का बयान दे रहे हैं कि कोविड नहीं होता है, कुंभ में नहाने से कोविड नहीं होता। अरे भाई, एक आदमी नहा रहा है, पीछे वाला कोविड वाला बैठा होगा, वो पानी सब लोग उसके मुंह पे जा रहा है, कैसे कोविड नहीं होता है? किस तरीके से देश का बयान देते, कभी कहते फटी जींस पहने, कभी कुछ, मतलब मानसिक दिवालियापन की हद होती है। अरे कम से कम कुंभ को ऐसा मेला तो रोक सकते थे, वो तमाम पूरे भारत वर्ष से वहां पे लोग आए हुए हैं, अरे उसको तो रोका जा सकता था। आप चुनाव नहीं रोक पा रहे, कम से कम उसको तो रोकिए, वो तो आपके हाथ में है, उसको भी आप नहीं रोकना चाहते। आप जो है यूपी के पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आप उसको भी नहीं रोकना चाहते। अभी जबरदस्ती आज जो है पहला फेज का वहां पर भी इलेक्शन हो गया, मतलब किसी तरीके से, क्योंकि पहला मकसद है चुनाव जीतना, ऐसा कोविड से लड़ने का कोई मकसद नहीं है। मकसद आपका नहीं है, मकसद टीएमसी का मकसद नहीं है चुनाव जीतना, टीएमसी का मकसद नहीं है। हमारी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी है इसके पास। तो आपने मकसद को मजबूरी बना लिया ना, तो आपने मकसद को मजबूरी बना लिया और मजबूरी को मकसद, मजबूरी है। एक मिनट, आपने मकसद को मजबूरी बना लिया और मजबूरी को मकसद बना लिया। हमारी मजबूरी है, जब बड़े लोग जीतते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री, सारे चीफ मिनिस्टर जब उतर करके वहां तक, आप तो शालामार जी वगैरह सब उतर करके जब मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं? ये चुनाव हमारे लिए भी तो मजबूरी है, जनता के पास हमारे लिए तो अपनी बात पहुंचा दीजिए। राहुल गांधी वगैरह सब उतर के आ चुके हैं, तो ममता जी केवल अकेले चुपचाप बैठ जाएंगे क्या? तो हमारी मजबूरी है, मैं तो बोल रहा हूँ वर्चुअल रैली, चुनाव आयोग वर्चुअल रैली कराए, हम लोग भी स्वागत करें। ठीक है राहुल आनंद जी, टीएमसी की मजबूरी है चुनाव लड़ना, और आपका क्या? देखिए काजल जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे दामन में बहुत दाग हैं तो सनम आप भी अपना आईना को साफ करो। चलो, आपने हमें बहुत सारी कमियां बता दी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपने कब इससे पीछे हटे? आपने भी तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर आपके साथ मजबूरी है, क्योंकि ये हर वक्त अपने आप को मजबूर ही बताते हैं, ममता दीदी अपने आप को मजबूर बताती है, जब ममता दीदी हमारी प्रतिनिधि रहती है तो ये कहते हैं कि सारे लोग महिला के पीछे लग गए हैं, जबकि इस प्रकार का ये लोग बयान देते हैं, इससे इन लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक अखाड़े में, राजनीतिक के कुरुक्षेत्र में वो हमारी प्रतिनिधि है, हमारी कंपटीटर है, और अपने अपने
अपनी विचारधारा और विकास की गंगा बढ़ाने के लिए हम लोग चुनाव कराते हैं और पब्लिक उसमें हमें चुनती है। लेकिन अगर आपने भी तो किसी रैली का स्वागत नहीं किया, आपने भी तो अपने मंच से इस बात को नहीं कहा, आपने किया, आपने कोई रैली स्थगित की, आपने कभी मंच से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, दूर दूर खड़े होइए, अगर रैलियों में आ रहे हैं तो आप दूर दूर खड़े होकर भाषण सुनिए, कभी वर्चुअल रैलियों का आपने सोचा? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बिहार में भी हुई थी कुछ वर्चुअल रैलियां, क्या पश्चिम बंगाल के लिए सोच? मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्चुअल रैली की जो बात आप कर रही हैं, ये वर्चुअल रैली सेन भारतीय जनता पार्टी की है और मैं इस पे गर्व से कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसकी इसके इसकी रूपरेखा तैयार की थी और हमने बिहार चुनाव में इसको किया भी था और ये सक्सेसफुल बंगाल में भी कर लेते, बंगाल में भी कर लेते, बंगाल में भी कर लेते अगर बिहार चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव आयोग अगर गाइडलाइन जो जारी कर रहा है, क्योंकि आज मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, और अगर ये नतीजा निकलता है तो हम बिल्कुल उसका सम्मान करेंगे। हमें भी जनता का ख्याल सर्वोपरि रखा गया है, देश हमारे लिए सबसे जरूरी है, चुनाव पार्टी को सकता है, लेकिन लेकिन जो हमारे साथ विपक्ष है वो भी तो हमारे साथ सकारात्मक भूमिका में रहे। अभी तो आती हूँ कुंभ पर, आती हूँ अभी कुंभ पर आती हूँ, ठीक है, कुंभ की बात करेंगे, एक मिनट। नहीं है विपक्ष कुछ कहता नहीं है, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का बहाना बनाता है, जैसे की एक पुरानी कहावत है ना, कोई बहुत मजबूर था तो महात्मा गांधी जी। अगर विपक्ष कुछ नहीं कह रहा तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अगर विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, देखिए आपका बड़प्पन होगा ना वो, तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे बड़प्पन दिखेगा आपका। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी जिसमें ममता दीदी उपस्थित नहीं हुई थी, तो ममता दीदी की ये कौन से मासिक दिवालियापन को ये दिखाता है, जबकि उनको निमंत्रण दिया गया था सरकार की तरफ से उस बैठक को में शामिल होने के लिए, तो वो जो वो केंद्र सरकार से जो गुस्सा करती है उस गुस्से को उन्होंने जाहिर किया है। अगर वो उस वक्त रहती उपस्थित तो हो सकता था कि कुछ अपने वैल्यूएबल फीडबैक देती कोरोना को लेकर, लेकिन वो तो अपनी जिम्मेवारी से भाग गई ये कहकर कि मोदी जी मुझे सभी नहीं, पार्टियां तो सभी पल्ला झाड़ रही हैं, लगभग सवालों से सभी पार्टियां पल्ला झाड़ती हुई। संजय चक्रवर्ती जी, अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि तीन चरणों के चुनाव को एक चरण में संपन्न कर दो, उससे कोरोना खत्म हो जाएगा, कम से कम एक किसी ने कहा तो कहा तो इस बात को, चार चरणों का चुनाव बचा हुआ उसको एक चरण में खत्म करे, लेकिन ये कहना नहीं चाहते हैं। दरअसल क्या है कि इनको 2019 में जो 18 पीछे पा गए तो इनको खुशबू आ गई कि हम यहाँ पे सरकार बना सकते हैं, और यही वजह है उस सरकार की खुशबू की वजह से आठ चरणों का चुनाव रखवाया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि तमिलनाडु में जब एक चरण में चुनाव हो सकते तो यहाँ पर भी एक चरण में हो सकते थे, लेकिन अगर एक चरण में होते तो प्रधानमंत्री जी 50 रैली कैसे करते, गृह मंत्री जी 500 रैलियां कैसे करते, इनको केवल और केवल घर घर जाकर के घुसना था। अरे इनका बस चले तो ये जो है अमेरिका से जो बाइडेन को और रशिया से व्लादिमीर पुतिन को भी उतार दें इस बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, ये यहां तक के लिए ये देखना चाहते हैं। अगर आप वर्चुअल रैली करके आप राज्यपाल को संबोधन कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री कर सकते हैं, आप जो है स्वास्थ्य मंत्रियों को कर सकते हैं, तो आप वर्चुअल रैली कर सकते थे, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। आप चाहें तो अभी प्रधानमंत्री के पास इतना पावर है कि वो चुनाव आयोग के साथ बैठक करके या आखिर के तीन चरण को एक चरण में करवा सकते हैं, लेकिन कराएंगे क्यों? कराएंगे तो फिर रक्त रंजी, आपको कैसे पता उनके पास पावर है? आपको आपको कैसे पता बीजेपी के पास ये पावर है? आपको कैसे पता बीजेपी के पास पावर है कि जो कि चार चरणों के चुनाव को एक चरण में करा सकते हैं? कैसे पता आपको? देश के प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो इसके बारे में बैठक कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इसके बारे में बैठक कर सकते हैं, पहल तो करें, शुरुआत तो करें, एक बार कहें तो पता तो चले हाँ उन्होंने पहल की, हमें तो हम लोगों को भी तो पता चले कि उन्होंने कोई पहल किया। अगर वो राज्यपाल को बुला करके बैठा सकते हैं, मुख्यमंत्रियों को बैठा सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर उनके बाकी से जितनी रैलियां हैं वो कैसे होगी? अब देखिए चुनाव जिस दिन होता है उस दिन दो रैलियां ये जरूर करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मोल्ड करना होता है उस दिन से सारी चीजें जो है अपने अपने पक्ष में करना होता है। तो अभी देखिएगा परसों चुनाव है, परसों की दो रैलियां जरूर होंगी, 22 को भी उनके दो रैलियां होंगी जरूर, 26 को भी उनके रैलियां होंगी जरूर, 29 को भी उनके रैलियां होंगी जरूर, वो तो उनकी तय बात है कि वो ऐसे इसी तरीके से मोड करते रहते हैं। आपका जवाब दे रहे हैं राहुल जी, आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो आप संजय जी से ये पूछिए कि उनको चुनाव आयोग पे भरोसा है? आज तक तो वो यही कहते आए हैं कि चुनाव आयोग भारतीय नहीं, उनको भरोसा तो नहीं है, उनको भरोसा नहीं, ये तो आपको भी पता होगा, ये तो आपको भी पता होगा कि उनको भरोसा नहीं है। और ये जो टीवी पे बैठकर संजय जी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को मीटिंग बैठक करनी चाहिए, तो ये कल ही कह देंगे कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी सेटिंग कर ली है, क्योंकि ये कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
अगर मेरे दामन में दाग है तो आप अपना आईना भी साफ करिए और आप एग्जाम्पल तय करिए ना, आप वर्चुअल रैली कराइए, हम भी कर रहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग अगर उनके भी दामन में अगर उनके भी दामन में दाग होगा तो वो कैसे साफ करेंगे? दामन में दाग अगर दोनों के अगर दोनों के ही दामन में दाग होगा तो क्या करेंगे? तो फिर ये एक दूसरे के दामन पर कीचड़ उछालेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा ना, एक दूसरे के दामन पर आप लोग कीचड़ उछालेंगे, दामन दोनों का गंदा होगा। एक सवाल पूछिए, क्या कुंभ के मेले को स्थगित किया जा सकता था? हम कह रहे चुनाव नहीं स्थगित हो सकता, कुंभ के मेले को स्थगित किया जा सकता। जवाब दे रहे, ठीक है आपका जवाब दे रहे हो। देखिए कुंभ का जो मेला है वो एक आस्था का समंदर है और उसके लिए भी सरकार मेरी बात संपूर्ण हो जाने दीजिए। आप देखिए यही समस्या है संजय जी के साथ, बीच में ही घूम लेते हैं। मंदिर बंद था, हम लोगों ने उसको जो है घर में पूजा कर लिया था, सबने किया था। उस समय भी जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने भी जो है उनके घर पे मना लिया था। संजय जी आपने सवाल पूछा संजय जी आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए उनसे, जवाब ले लीजिए। और राहुल जी सवाल उन्होंने भी पूछा उसका जवाब दीजिए। और मैं आपने अभी जो बोला उस पर मेरा सवाल सुनिए, आस्था के मंदिर में कोरोना नहीं हो सकता क्या? वहां पर क्या कोरोना नहीं हुआ है? कई साधु संतों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई है, आज एक संत की वहां पर कोरोना की वजह से मौत हुई है। देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात आपने सवाल किया है वो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इस चीज को बता दूं कि जो आस्था का समंदर है उस पे आप एक बात नहीं रोक सकते हैं किसी को भी, क्योंकि वहां पे पहले से ही लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन सरकार वहां की तत्परता के साथ उन्होंने अपना एक गाइडलाइन जारी किया था, उस गाइडलाइन के तहत लोगों को जो फीवर टेस्टिंग है वो करते हुए वहां पे टेस्ट करके सैनिटाइज किया गया था। लेकिन जो केसेस बढ़े हैं उस पे भी सरकार ने संज्ञान लिया। अगर आपको याद हो राहुल जी मैं आपको याद दिला देती हूँ वहां की सरकार ने ये कहा था कि कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप कुंभ में आ सकते हैं। जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से फटकार पड़ती है उसके बाद ये आदेश जारी किया जाता है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आप कुंभ में एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद ये आदेश दिया गया था। बोलिए तो उसका पालन किया गया था। हाँ, बोलिए उसके बाद जो भीड़ जो जमा हुई थी, नहीं अगर ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप उत्तराखंड सरकार का हवाला दे रहे थे कि सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की थी, तो सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की थी। जब हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी उसके बाद ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाइए, ये कहा गया। चलिए मैं आपकी बात को भी मैंने मान लिया, अगर सरकार में कहीं कोई त्रुटि आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि न चुनाव में कोरोना हो रहा है न कुंभ में कोरोना हो रहा है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कोरोना से हाहाकार है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, ब्रेक के बाद अगर फिर स्वागत है आपका। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर कोरोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लाखों हजारों की संख्या में वहां पर रैलियों में लोग पहुंच रहे हैं, ना तो बीजेपी को कोरोना वहां पर दिखाई दे रहा है और ना ही टीएमसी को वहां पर कोरोना दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया है जो कि 30 अप्रैल तक चलने वाला है, उसकी समय अवधि भी नहीं घटाई जा रही है, भले ही वहां पर साधु संत कोरोना पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, क्योंकि आपसे ही सवाल था कुंभ को लेकर, बोलिए। अब तो ये मैं ये कह रहा था कि ये जो आस्था का समंदर है, अगर कहीं सरकार से अगर त्रुटि होती है तो माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे उसका अनुपालन किया गया और जो
कोविड टेस्ट जो कराया गया है अब वहां कंपलसरी हो गया है कि जब तक रिपोर्ट निगेटिव नहीं आएगी तब तक वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक सराहनीय कदम है जिसका पालन कराया गया है सरकार की तरफ से। और ये पॉजिटिव खबर है, माफ कीजिएगा आज के डेट में ये पॉजिटिव वर्ड काफी ज्यादा स्थापित हो चुका है, लेकिन मेरा कहने का संदर्भ ये था कि अब के समय में उसे मान्य कर दिया गया है कि जो निगेटिव रिपोर्ट होंगे तभी आप आइए। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये व्यवस्था है कि रिपोर्ट की जांच कराकर लोगों को उसमें एंट्री कराई जा रही है। और जहां तक जो साधु संत जो पॉजिटिव हुए हैं तो उसके लिए भी हमें खेद है, लेकिन उनकी भी तत्काल व्यवस्था सरकार की तरफ से करके उनको अलग कर दिया गया है। जी राहुल जी, मेरा एक और सवाल सुनिए। बंगाल में लगातार इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर कोरोना का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और वहां पर जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से रैलियां हो रही हैं, ऐसा ना हो कि सत्ता में काबिज हो जाए, भले ही कोई भी पार्टी हो उससे किसी को मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी सत्ता में काबिज हो या फिर टीएमसी की सरकार बने, ऐसा ना हो सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाए, कोरोना की वजह से बहुत बुरे हालात हो जाए। देखिए काजल जी, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा स्थिति नहीं आएगा क्योंकि हमारे सरकार के पास क्योंकि जो स्थिति हो गई है उम्मीद तो इसकी भी नहीं थी ना राहुल जी, जो स्थिति हो गई है इस समय हमारे देश में उम्मीद तो किसी ने इसकी भी नहीं की थी। अब से एक साल पहले जो हालात हुए थे उससे भी ज्यादा बदतर हालात हो गए। काजल जी, मैं आपको स्मरण करा दूं कि जब पिछली बार जब मार्च में जब हमारे पास ये स्थिति आई थी तो स्थिति को भांपते हुए हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास क्या पूरे विदेशों में कुछ नहीं था, लेकिन स्थिति समय के अनुसार स्थिति सुधरी और हमने वैक्सीनेशन भी निकाला और एक साल के अंदर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाला और उसका हम लोग चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं अपने देश में। अभी जो कोरोना का दूसरा स्टेज आया है इसपे भी लगातार रिसर्चेज जारी है और जल्द ही इसका भी निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। हाँ, ये बात हमारे ही देश के साथ नहीं अन्य देशों के साथ भी ऐसी परिस्थिति पड़ी है जिसके लिए वो गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन आप हमारे सरकारी तंत्र पे और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पे भरोसा रखिए, इसका जल्दी ही उपचार निकाला जाएगा। सरकारी तंत्र पर भरोसा है, सरकारी तंत्र पर भरोसा है तभी तो इस समय पश्चिम बंगाल में ये हालात है, सरकारी तंत्र पर भरोसा है तभी आज लाखों हजारों लोगों को रैलियों में इकट्ठा किया जा रहा है, सरकारी तंत्र पर भरोसा है तभी आज ये हो रहा है। संजय चक्रवर्ती जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बता रहे क्या ये लोग इलाज चल रहा है, क्या इन लोगों का जो है काम चल रहा है भगवान जाने। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हम लोग आ चुके हैं इस समय कोरोना के केसेस को लेकर के, ठीक है, बता दिया है ब्राजील को सेकंड नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और फर्स्ट नंबर पे और जल्दी हम लोग पहुंचेंगे। और लेकिन क्या है कि सरकार को इस बात की कतई कतई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनका पहला उद्देश्य सरकार बनाना और सरकार बनाना उसके लिए कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े वो देने को तैयार है, लेकिन क्या है उद्देश्य तो सभी का सरकार बनाना है, उद्देश्य तो लगभग सभी का सरकार बनाना है। अभी आप लोगों ने आपने सरकार के बारे में बताया, कांग्रेस भी वहाँ पे रैलियां कर रही है, सीपीएम की भी रैलियां हो रही है, नाम सबका लीजिए क्योंकि रैलियां सबकी हो रही है। मैंने यही कहा सबका मकसद सरकार बनाना है, सबका मकसद, पार्टी केवल दोषी नहीं है, पार्टी सारे लोग हैं, सबकी दोष है और मैं तो सबका मकसद एक ही है, सबका मकसद एक मिनट मकसद सभी का एक है, सभी का, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, एक ही लक्ष्य है सबका, कुछ और नहीं है इसके अलावा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कहते हैं एक परिवार में एक बड़ा भाई जब होता है, बड़ा भाई जो काम करता है वो छोटे उसी का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को पहले करके दिखाए कि हम वर्चुअल रैली करेंगे, हम अब जो है रोड शो और ये सब नहीं करवाएंगे, हमारी पार्टी केवल वर्चुअल रैली करेगी। एक बार हिम्मत दिखा के करें कि हम वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं, सब पे दबाव पड़ेगा, लोग करेंगे। शुरुआत कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा करता है, जरूरी थोड़ी है कि आप छोटा करेगा तो बड़ा करेगा, एग्जाम्पल बड़े से ही दिया जाता है कि आप ये हमें बड़े भैया हमारे ये काम करें तो हम लोग को भी ये काम करना चाहिए। तो जब आप बड़ा भाई जो है बेलगाम होकर के घूम रहा है तो भाई छोटे लोग सोचेंगे चलो ठीक है हम भी बेलगाम हो जाते हैं, मजबूरी है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। राहुल जी जवाब दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे इसीलिए वो नहीं निभा पा रहे। पूछिए कि ये एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं वेस्ट बंगाल में, क्यों नहीं ये अपनी सारी रैलियां रद्द करा देते हैं। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि बड़े भाई यानी प्रधानमंत्री जी पे जो ये दोषारोपण कर रहे हैं, तो इनको मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरे विश्व ने सराहा है,
और आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जितना वो मेहनत करते हैं और जितनी तत्परता के साथ वो वन टू वन जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं, ये सराहनीय है। और अगर अगर आपको मेरी बात को खत्म होने दीजिए, अगर आपको लगता है देखिए किसानों को बरगलाने का कार्य विपक्ष कर रहा है, बहुत ही बदतमीज तरीके से कर रहा है। और मैं संजय जी पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपने व्यथा को बता रहे हैं, आपके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि आप किसानों से वोट मांग सके। आप किसानों से वोट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है किसान आपको सवाल आपने मुझसे किया था, जवाब दे रहे हैं। आपको दिखने लग गया है अभी आप गुजरात में म्युनिसिपल एक करके समझ नहीं आएगा। एक करके अब त्रिपुरा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हार चुके हैं। अभी जैसा मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर महोबा में काजल जी एक रैली कर रहे थे, रैली में हजारों कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन एक भी बंदा उस कुर्सी था, एक बंदा कुर्सी। ठीक है, जवाब ले लीजिए संजय चक्रवर्ती जी, जवाब ले लिया। अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे जवाब ले लीजिए ना एक बार। आप सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देने का मौका दीजिए, जरा एक बार बोलने दीजिए उनको। देखिए, मैं एक संगठित परिवार से आता हूँ और जो हमारी पार्टी के जो संस्कार हैं वो हमें यही सिखाए गए हैं कि जब कोई बोले तो सुनो। लेकिन टीएमसी के प्रवक्ताओं को पता नहीं क्या होता है कि जब भी सामने वाला जवाब देने के हालात में रहता है तो वो बीच में कूद जाते हैं। यही हाल है पश्चिम बंगाल का। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो ये रक्त रंजिश में उसको बदल देते हैं। ये संजय जी से भी सीखना चाहिए हमें। माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यही हाल है कि आप मेरे सवाल को, अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो जवाब लीजिए, फिर आप मुझसे पूछिए। आपने जो कहा और मैंने आपसे बस यही कहा कि आप ही एक अच्छा उदाहरण दे दीजिए। आप भी अच्छा उदाहरण देने के हालात में नहीं है और प्रधानमंत्री जी पे दोषारोपण कर आप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने से भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको भी मानिए। और जहां तक सरकार बनाने की बात है तो सरकार बनाने में सबसे ज्यादा बेचैनी अगर है तो ममता दीदी को है। वो वन टू वन हर जगह वो सारे कार्य को कर रही है जो उनको नहीं करना क्यों चाहिए। बीजेपी को नहीं है, बीजेपी को बेचैनी नहीं है। क्या बीजेपी सत्ता नहीं चाहती? बीजेपी सत्ता नहीं चाहती, मिलकर सरकार बनाने को चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को आरोप भर रहे हैं, ये गलत है। बीजेपी के ऊपर जो ये आरोप भर रहे हैं कि बीजेपी ही चाहती है, मैं नहीं चाहता हूँ। उनको एक चीज मैं बता रहा हूँ, दूसरी मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा, देखिए मैंने कहा अभी कि दोनों दल चाहती हैं अपना अपना सरकार बनाना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे मर देना कि बीजेपी ही चाहती है और अपनी बातों से निकल जाना, ये गलत है। आप कहिए कि मेरी भी अभिलाषा है सरकार बनाने की। और आपने जो कहा किसान आंदोलन के लिए, तो अभिलाषा तो मंच से दिखाई दे जाती है राहुल जी, अभिलाषा तो दोनों की मंच से दिखाई दे जाती है। अभिलाषा तो प्रधानमंत्री की भी दिखाई दे जाती है, अभिलाषा तो ममता बनर्जी की भी दिखाई दे जाती है। क्या चाहते हैं, किस तरीके से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभिलाषा को मैंने स्वीकार किया है काजल जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी कह रही है कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे दोष दे रही है, ये गलत है। मैं इसकी बात कह रहा हूँ, दोनों की अभिलाषाएं हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी का जो समय है, अपने आप का ख्याल रखकर और बचाव कर लोकतंत्र के मंदिर में वोट करें सारे लोग। और जो भी रैलियां हो रही है वो चुनाव आयोग इसके ऊपर गाइडलाइन जारी करे और उनका जो गाइडलाइन आएगा उसका हम सब पालन करेंगे, उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे। ये पहले भी हो चुका है, ये असंभव कार्य नहीं है, इसको संभव बनाया जा सकता है। लेकिन अपना बचाव करते हुए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी भी कार्य को करें। जी जवाब दीजिए संजय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मतलब चुनाव आयोग है, मैं फिर कह रहा हूँ चलो इसको चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कुंभ को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा कौन सा? देखिए, आप इस बात को बीजेपी पर डाल देते हैं और वो चुनाव आयोग पर डाल देते हैं तो ऐसे तो मसला यही फंसा रह जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए सरकार खुद डिसीजन ले सकती है। लेकिन इनको हिंदू वोट बैंक की जरूरत है, हिंदू वोट बैंक उनको पता है कि अगर बाई चांस हम लोगों ने अभी है कुंभ को रद्द किया तो बंगाल में असर पड़ेगा,
जिससे हिंदू वोट बैंक के चक्कर में इसको रद्द नहीं कर रहे हैं, टोटल ये गेम खेल रहे हैं कि चुनाव किसी तरीके से कट जाए, तब तक जो है उनको ये कंटिन्यू करें, उसके लिए लाखों लोग मर जाए, बीमार पड़ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये रद्द नहीं करेंगे। उसको रद्द कर सकते थे लेकिन रद्द नहीं करना चाहते। हम कह दो चुनाव आयोग को, तो चलो एक किनारे एक मिनट के लिए चुनाव किनारे कर देते, बंगाल के किनारे करते, अरे आपके हाथ में यहाँ पे, यहाँ तो कुंभ में जो है कोई भी चुनाव आयोग नहीं है ना कि वो रोक देगा आपको, उसके हाथ में पाले में, ये तो सरकार के पाले में, एक बार रोक करके दिखाइए ना। लेकिन आप रोकना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से हिंदुओं में एक नेगेटिविटी फैलेगी, उस नेगेटिविटी को रोकने के लिए आप कुंभ को जारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उसका फायदा आप बंगाल में ले सके, और इसका कोई वजह नहीं है। अरे एक बार कुंभ को ही रोक दीजिए, हम मान जाएंगे कि हाँ भैया चलो ठीक है, हम आप जो बोलोगे हम उसको जो है इसका स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप पहले एक काम तो करके दिखाइए। अरे कम से कम एक बार कुंभ को रद्द तो करके दिखाइए, नहाना तो होता रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी रहेगी तो नहाएंगे, वरना मरने के बाद लाश को नहलाएंगे क्या वो आप क्या करके क्या चाहते हैं? ठीक है ठीक है राहुल जी, दो सवाल है आपसे। एक तो सवाल ये पश्चिम बंगाल को लेकर है, पश्चिम बंगाल को लेकर अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप चुनाव आयोग पर बात ले जाते हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि सबको चुनाव आयोग के हाथ में है। अब कुंभ को लेकर सवाल किया जाता है तो कुंभ का आप कहते हैं कि वो आस्था का सैलाब है, वो आस्था की जगह है, 12 साल में कुंभ एक बार लगता है, मतलब दोनों बातों से पल्ला झाड़ेंगे तो ऐसे फिर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। देखिए काजल जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में अपनी बात को कहा था, और जो संजय जी जो एक बात कर रहे हैं, जो तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान का मैं खंडन करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये, अभी रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, मुसलमान भाई क्या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? क्या एक जगह बैठ के नमाज नहीं पढ़ रहे हैं? उनके लिए वो आस्था का है, रमजान का पवित्र महीना है, तो क्या हमने उनको मना किया? हर कोई चाहता है कि हमारे देश में शांति और अमन बरकरार रहे, और ये जो बार बार कह रहे हैं, जो हिंदू को बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि आज इन्हीं का ये देन है जिसकी वजह से आज इनको अपने आप को हिंदू प्रूफ करना पड़ रहा है, एक हिंदू होकर अपने आप को हिंदू प्रूफ कर रहे हैं। और जो आस्था का समुद्र का मैंने बात किया है, इसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने भी जो निर्देश जारी किए हैं उसका भी पालन करा रही है, सरकार ही करा रही है। और आप ये भी देखिए कि वहां जो टेस्ट के जो रिपोर्ट आए हैं वो कितने प्रतिशत आए हैं उस भीड़ के हिसाब से, और सरकार की तरफ से क्या प्रोविजन की गई है, क्या जिम्मेदारियां तय की गई है, ये भी समझने के योग है। कोविड के जो केसेस आए हैं वो बहुत कम आए हैं कुंभ में, कोरोना की वजह से। राहुल जी, कुंभ में कोरोना की वजह से आज एक संत की मौत हुई है, कोरोना पॉजिटिव संत की मौत हुई है, इस बात को नहीं नकार सकते, और ये छोटी बात नहीं है। देखिए मैं एक अखाड़े के महामंडलेश्वर की मौत हुई है कोरोना की वजह से, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पूरा देश अभी कोविड से परेशान है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी चलती ही रहेगी, बचाव आपको और हमको मिलकर करना है। जो सरकार ने जो जवाबदेही तय की है वो सरकार की है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी और आपकी भी है, क्योंकि अगर आप पब्लिक को भी देखेंगे तो वो भी इससे अछूत दिखाई दे रही है, उनको लग रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन इससे बचने की आवश्यकता है। और जो सरकार ने जो कुंभ को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसका भी पालन करा रही है, और हाईकोर्ट का जो निर्देश है कि उसमें निगेटिव लोग को जाना है तो उसका भी पालन कराया जा रहा है। आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि, और जिस प्रकार से संजय जी बोल रहे हैं कि इसको खत्म करिए या वोट बैंक की बात है, तो आपको मैं ये चीज को याद दिला देता हूं कि वोट बंगाल में हो रहा है, ना कि उत्तराखंड में हो रहा है। लोग जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपना बचाव करके जाएंगे, और जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, अगर वोट कहां पे हो रहे हैं, इस पर आते हैं, इस पर संजय जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कि तुष्टिकरण, ये तुष्टिकरण है टोटल, क्योंकि अगर उन्होंने कुंभ पे बैन लगाया तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में हिंदुओं पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए ये बैन नहीं लग रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर वहां पे सारी टेस्टिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, महामंडलेश्वर की डेथ कैसे हो गए, अगर उनकी डेथ हुई तो इसका मतलब उनके सराउंड में बहुत सारे लोग चाहे पॉजिटिव हो गए होंगे, वो पॉजिटिव हुए होंगे तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को पॉजिटिव किया होगा, और वो पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश से लोग वहां पे पहुंचे हैं, और ये सारे के सारे पूरे देश से फैलेंगे, आने वाले 15-20 दिन के बाद देश की हालत बड़ी भयावह होने वाली है। ये चीज को इनपे कभी नहीं बोलेंगे, इस चीज को लेकर के अभी ये बोल रहे थे ममता देवी को अपने आप को हिंदू प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है। अरे वो हिंदू है,
प्रूफ आपको करने की जरूरत पड़ेगी कि आप मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, आप तो कोशिश करें प्रधानमंत्री, आप मुस्लिमों को गले लगा जिसको अछूत मान रहे थे आज उनको गले लगा रहे हैं। आप आपकी मजबूरी आ गई कि उनको, आपने जब देखा कि आपका जय श्री राम नहीं चल रहा, आपका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला, आपका चोला मनी तट मनी आपका ये सब नहीं चला, आपका जो है सांसद उतार दिया आपका वो भी नहीं चला, तो आप लगा कि आप कुछ ऐसा करना चाहिए जहां से हमें मुस्लिम वोट मिले ताकि हम जीत सके। लेकिन ध्यान रखिएगा सारे मुस्लिम भाई जो है बड़े समझदार हैं, वो आपके इस तरह से गले मिलने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बिना इलेक्शन नहीं हो पाता क्या? संजय चक्रवर्ती जी जब तक ये हिंदू मुस्लिम का नाम ना आ जाए, हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम ना आ जाए, तब तक इलेक्शन पूरा क्यों नहीं हो पाता है? अभी अभी हमने ये बात नहीं, राहुल अरविंद जी ने ये बात उठाई थी कि मुसलमान है उनको जो है तुष्टिकरण हिंदू बोलना पड़ा, इसलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ी, क्योंकि काउंटर तो करूंगा जो, बिना काउंटर करते मैं चुप नहीं रहूंगा। इन्होंने पहले इस बात को उठाई है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार हिम्मत दिखाइए और हिम्मत दिखा करके एक बार कुंभ को रद्द कराइए। कुंभ को रद्द कराएंगे, एक मैसेज जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि भीड़ इकट्ठा करना मना है। उसमें मुस्लिम भाई को भी समझ में आएगा कि जब हिंदुओं के लिए मना किया गया है तो हमें भी मस्जिदों में जाकर के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्रिश्चियन भाइयों को भी लगेगा हमें चर्च में नहीं जाना चाहिए। आपका एक मैसेज तो करिए कम से कम, बीजेपी तो कम से कम अभी तो चुनाव आयोग के ऊपर पाला आप लोग डाल करके आप लोग बचे जा रहे हैं, अरे कम से कम जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे तो मैसेज दीजिए, कम से कम वहाँ तो आप कुछ कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी मैसेज देना नहीं चाहते। 12 साल के बाद कुंभ आता है, अरे हम 12 दिन जिंदा नहीं रहेंगे तो 12 साल के बाद कुंभ क्या करेंगे हम जाकर के? अरे 50 साल के बाद आएगा तो भी हम जिंदा, अगर जिंदा रहेंगे तो 50 साल बाद भी कुंभ में नहा लेंगे, अभी हम 12 दिन अगले 12 दिन में हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे हमें खुद ही इस बात को नहीं पता, हमें इस बात को नहीं पता ही नहीं। राहुल जी जवाब दीजिए, ठीक है आपका जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब 12 साल में क्या करेंगे जाकर के उसको लेकर के? मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको मानकर ही कुंभ चल रहा है, और आपका जो महत्वपूर्ण चुनाव पर फिर बीच में बोलने लगे, और दूसरी बात यह है कि आप जो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कुंभ कुंभ कुंभ, आप वर्चुअल तो नहीं चले जा रहे हैं, आप वर्चुअल पे जाइए ना, और आप अपना सारी रैलियां रद्द कीजिए, अगर आपने गलत है तो आप सारी रैलियां रद्द कीजिए, तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि कौन पार्टी गलत कर रही है, कौन पार्टी सही कर रही है, और हमारे नेतृत्व को हम कुछ नहीं करेंगे। फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे, एक ही स्टार प्रचार है, एक ही घायल शैली है जो एक रैली कर रही है, अरे आपके तो 100 रैलियां रोज हो रही है, डेली हो रही है, यहाँ पे राज्यपाल जी मीटिंग होती है, फिर ये मीटिंग होती है, वहाँ पे रैली होती है, लाखों लोगों की भीड़ बनाई जाती है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग किसी को बुला लिया, आज तुम भी रैली करो, तुम मुस्लिम हो तो मुसलमानों के यहाँ पे जाकर के तुम रैली करो, आप लोग छोड़ना किसी को नहीं चाहते, सबको बुला लीजिए, सब पूरे देश में जितने भी आपके मंत्री संसदीय मंत्री है सबको बुला करके वहाँ पर मीटिंग करवाइए, बोलते रहेंगे। बोलिए राहुल जी, बोलिए जवाब दीजिए। सबसे पहले इनको ये चीज सिखाइए कि जब जब डिबेट होता है तो सुनने की आदत डालें, ममता दीदी जैसा हल्ला करने लगते हैं हर जगह, इस चीज से ही बचें। जब सवाल मुझसे किया गया है, जवाब मुझसे दिया गया है, बिना हिंदू मुसलमान किए नहीं जीत सकते हैं, कैसे मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू कर रहे हैं? इनका पहले भी बयान आया था जिसमें इन्होंने गलत कह दिया था, इनको सीखना चाहिए, उम्र इनकी हो चुकी है, इनको समझना चाहिए कि क्या बातें करनी है, किस प्रकार से बोलना है, काउंटर करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप इस प्रकार से काउंटर करते हैं कि दूसरे का भी हक छीन लेते हैं, यही चीज इन्होंने दिखाया है। केंद्र सरकार जब योजना पास करती थी तो ममता जी उसको अपना हक मान लेती थी और लोगों के बीच में नहीं देती थी, वही शिष्टाचार उन्होंने सीखा है जिसको ये अभी तक बोल रहे हैं। अभी मुझे बोलने दीजिए, और बार बार जितनी भी डिबेटें हो रही है बार बार हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे हमारी तो विचारधारा ही हिंदू लेकर चले हैं, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं नमाज जानता हूं, मैंने नमाज पढ़ा है, ये तो ममता दीदी ही कहती थी, इसके लिए तो तुष्टिकरण का तो आरोप आप पे ही लगा है, और आज यही जरूरत पड़ा है कि आपको अपने आप को हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र में हिंदू साबित करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको सीखना चाहिए। मैं अगर हम में कोई कमियां हैं हम उसको स्वीकार करते हैं तो आप भी अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, दूसरे का हक
नहीं छीनना चाहिए। जब मुझे मौका मिलता है बोलने का तो मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। जब मैं चुप हो जाता हूँ तो आप भी बोलिए, आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन सीखिए, शिष्टाचार डिबेट में सीखिए। अब तक आपके साथ मेरी कितनी डिबेटें हो चुकी है, उस हर वक्त मैंने आपको यही कहा है कि शिष्टाचार सीखिए। आज तक आप नहीं सीख पाए, आप वहां पर क्या सुधार कर पाएंगे? आप सुधार करने की स्थिति में है जो खुद ही नहीं सीख पाता है कि हमको बोलना क्या है, किस प्रकार से अपने शब्दों को रिप्रेजेंट करना है, और वो दूसरे पे चढ़ जाते हैं। आप सीखिए सर, आप सीखिए। नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित संगठन को ज्वाइन कीजिए, उसमें विचारधारा मिलेगा, तब पता चलेगा कि किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है जनता। आप इन्विटेशन दे रहे हैं राहुल जी, उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, उनको सीखना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा, इनका मैं आमंत्रण करता हूँ, ये आकर सीखे शिष्टाचार की किस प्रकार से शिष्टाचार। संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है, बोलिए संजय चक्रवर्ती जी। भाजपा वो पार्टी है, वॉशिंग मशीन पार्टी, ठीक है, जहाँ पे सुबह का कोई गुंडा भाजपा में शामिल हो जाए तो शाम को वो गुंडा नहीं रहता, वो फिर वो देशभक्त हो जाता है, राष्ट्रभक्त हो जाता है। ये वो पार्टी है, ठीक है ना। और इनको जो है सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं तो पहले आप खुद ही सीख लीजिए कि आप लोग पहले बड़े होकर के आप लोग कम से कम छोटों को शिक्षा देना शुरू करिए। आप हमको शिक्षा दे रहे हैं, पहले अपने प्रधानमंत्री जी को शिक्षा दीजिए कि वो रहने के साथ शुरू करें, पहले बड़े को शुरुआत करिए। और देश के सबसे बड़े स्टाफ पे बैठे हुए उनको सिखाइए जाकर के कि सर लोगों को मारिए नहीं, लोगों को मारने का प्लान बनाना बंद कर दीजिए, लाखों की राजनीति करना बंद कर दीजिए। उनको सिखाइए जाकर, हमको बस सिखाइए जाकर, उनको सिखा दिए कि आप जो है रैली वर्चुअल रैली करिए, उनको सिखाइए जाकर के कुंभ का मेला बंद करिए, उनको सिखाइए जाकर के चुनाव इसमें बंद करिए, उनको सिखाइए जाकर के इन सब चीजों को। मुझको सिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, वहां से जब वो सीख जाएंगे तो हम यहाँ पे भी आकर सीख जाएंगे। आप उनको नहीं सिखा पा रहे हैं, उनको सिखाइए, मुख्यमंत्री जी को सिखाइए जाकर के जाकर के कुंभ का मेला को उनको बंद करिए जाकर के। उनको आप नहीं बताएंगे क्यों? क्योंकि आपको कार्ड खेलना है, आपको चुनाव जीतना है। अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपको जो है आपको संतुष्टि मिलेगी, आपकी एक सरकार और बन जाएगी। लेकिन लातों की राजनीति आप करते, हिंदू मुस्लिम आप करते, आप हर हर जगह हर रैली में जय श्री राम के नारे लगाते। क्यों भाई? मंदिर का घंटा है जो जाकर के बजाते टन 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 करके, क्यों जय श्री राम की जरूरत पड़ती है आपको? आप अपने विकास कार्य के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप अपने डेवलपमेंट के बारे में बात क्यों नहीं करते? अपनी योजनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप किसानों की योजना के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपके पास ये सब है ही नहीं, आप ये सब बोल नहीं सकते। आप महंगाई के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बोल नहीं सकते इन सब बारे में। आपको दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी यही याद आता रहता है, आपको अपने बारे में याद नहीं रहता कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है राहुल जी, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। उससे पहले मेरा भी सवाल एक आपसे होगा। आप अभी भी कह रहे थे कि टीएमसी वालों से कि आप अपनी सारी रैलियां रद्द कर दीजिए, अगर वो आपसे कहेंगे तो आप कर देंगे क्या? देखिए ये हमें सिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको कहा कि अगर हमारे सिखा तो कोई अब आप लोग इस उम्र में आ गए हैं कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता है, सब एक दूसरे के टीचर हैं, कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, सब टीचर बने हुए एक दूसरे के, गलतियां सब निकाल सकते हैं, एक दूसरे की खामियां सब गिन सकते हैं। काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग अगर हमें निर्देश देगा कि आपको रैलियां नहीं करनी है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है, कल कर दें। लेकिन दूसरी बात यह है, देखिए फिर बीच में बोलने लगे, इसीलिए मैंने इनको शिष्टाचार के लिए कहा था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जितनी बातें की हैं उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं सुधरेंगे, ठीक, हम दूसरे को नसीहत जरूर देंगे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, जो टीएमसी वाले करते आए हैं और कर रहे हैं। और तीसरी बात, सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति को इस प्रकार से वो कह रहे हैं, जिसने हमारे देश को विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रणीय किया है और आज भी मोदी जी के नेतृत्व को पूरे विश्व ने सराहा है, और विश्व क्या चुनाव जीतने के लिए, अमेरिका को चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है, होता है कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर विषयों पे अच्छा पकड़ रखता है और जनता से वन टू वन रहता है। और रही बात कोविड की, तो कोविड की जो यही वन टू वन बंगाल में देखने को मिल रहा है, यही वन टू वन बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखिए कोविड से निपटने के लिए हमारा देश तैयार है, हमारी देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी लगभग दुरुस्त। कहां तैयार है, कहां तैयार है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, कहां, कौन से आंकड़े गिन रहे राहुल जी आप, कौन से आंकड़े बात करेंगे?
देखिए अगर आप बात कर ले अमेरिका की, अमेरिका के स्वास्थ्य व्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन अमेरिका के केसेस सबसे ज्यादा खराब अभी है। अभी तुलना मत कीजिए, अभी तुलना मत कीजिए, जो जो अभी के आंकड़े, जो करंट आंकड़े हमारे देश के, उनको देखिए कहां लड़ने की स्थिति में है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और बुरी तरीके से 2 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ये हालात अभी सुधरने के नहीं है। राहुल जी कौन से आंकड़े गिना रहे हैं आप, ये बताइए पहले। मैं आपको यही बताता हूँ, जो अतीत में जो हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए थे और इस महामारी से हमने देश को निकाला था, ठीक उसी प्रकार अभी भी लगातार मंथन चल रहा है कि हमारे देश को किस प्रकार से निकलना है यहाँ से। लेकिन ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है, आपको भी पता है कि जो भी सरकार इसके पहले राज कर रही थी, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इस बात का जो बजट आया है उस पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर संभावनाएं जगाई गई हैं कि किस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य, जब हालात नहीं सुधर पाते हैं, हालात नहीं सुधर पाते हैं तो पहली सरकारों पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? अगर आप अगर 7 सालों से सरकार एनडीए की है ना, 7 सालों से एनडीए की सरकार है, तो 7 साल में कितने प्रोग्रेस हुए हैं, आप इससे भी बढ़ चर्चा। तो आप सात साल में कितनी बार, एक मिनट राहुल जी, 7 साल में सीधे जो ठीकरा है ना, यूपीए पर ही फोड़ा जाता है हर चीज का। जहां पर कमी नजर आती है उसका ठीकरा यूपीए पर ही जाता है। कहीं तो जिम्मेदारी, नहीं जिम्मेदारी कहीं तो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी कहीं तो लेनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके विषय पे आ रहा हूँ, क्योंकि यूपीए ने सबसे ज्यादा शासन किया है हमारे देश के ऊपर, और 7 साल में निगेटिव से, माइनस से अगर देश को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं ये चीज बता देता हूँ, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप पिछले साल से इस साल की तुलना में आप गुना भाग कर लीजिए, देखिए कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे देश की बढ़ी है, और हमारे डॉक्टरों ने तत्परता दिखाई, और डॉक्टरों का हमने मनोबल कैसे बढ़ाया है। और इसी का ये देन है कि 1 साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन भी आ गया है। ये है मोदी सरकार, जो 1 साल के अंदर देश पे संकट आने में किस प्रकार से तत्परता के साथ इसको बाहर निकाला है। अगर ये कोई अन्य सरकार होती तो शायद इसकी उम्मीदें आप नहीं। अगर बंगाल में कोई कदम उठाया जाता तब भी मोदी सरकार की सराहना होती। अगर बंगाल में ये जो रैलियां हो रही हैं, अगर ये वर्चुअल तरीके से हो जाती तब भी मोदी सरकार की सराहना होती। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है जिसमें लाखों हजारों लोग हैं, तो वहां पर भी मोदी सरकार की सराहना होती। ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी जवाब दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत देर से, और सवाल मेरा भी सुनिए कि आप बार बार जब आपसे सवाल किया जाता है कि क्यों रैलियां हो रही हैं, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो आपका जवाब ये होता है कि पहले बड़े शुरुआत करेंगे उसके बाद हम करेंगे, मतलब यहां पर आकर छोटे बड़े हो जाता है। पहली चीज क्या है कि जब इनके 100-200 नेता पूरे देश भर से इकट्ठा होकर के रैलियां कर रहे हैं, तो हमारी एक दो रैली तो हमारी मजबूरी बनती है। एक दो रैलियां नहीं, क्योंकि वो 200 लोग जो है, 200 नेता उतार करके वो 200 जगह पे रैलियां करें और हम एक रैली भी ना करें, मतलब वही बात हो कि अगर हम एक रैली करते कि वही ममता बनर्जी अपने आप को सर्वोपरि मानती हैं, आप उनको कम बता रहे हैं। ममता बनर्जी अपने, एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी अपने आप को सर्वोपरि मानती हैं, आप उनको कम आंक रहे हैं इस समय कि हमारी कम रैलियां हो रही हैं, ये कम गिनती कम करके आप उनकी निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा, हमारी एक ही रैली 10 रैली के बराबर होती है। तो ये बोलिए ना, ये बोलिए यही तो, यही मैं चाहती हूँ आप यही बोले। आप कह रहे हैं ना कि नहीं हमारी तो रैली ही नहीं होती। एक मिनट संजय चक्रवर्ती जी, आप ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आप कह रहे हैं ना कि हमारी तो नहीं रैलियां ही नहीं, उनकी 10 रैलियां होती हैं तो हमारी एक होती है, तो एक वो बेचारे वाली बात हो जाती है। ठीक है, एक वो बेचारे वाली बात हो जाती है, बेचारे वाली। अब आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी, हमारी एक रैली उनके 10 के बराबर है, यानी भीड़ भी उतनी ही होगी, नहीं नकार सकते। नहीं है, देखो वो 10 नेता उतारने के जो करते हैं, वो 10 नेता के बराबर हमारे एक टीवी नेता एक बहुत है, सफिशियंट है उसके लिए। तो इतना इतना कुछ कह जाती है, इतना कुछ कर गई है कि उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज देश के वहां के बंगाल की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि कौन जो है जुमलेबाज है और कौन है जमीन पर रह करके काम करने वाला है। वो इसीलिए जमीन पर रह करके, आज भी अगर व्हील चेयर में है तो जमीन पर रह करके चलिए। अभी भी जो उन्होंने किसी ट्रक या बस को करोड़ों का बना करके, राहुल जी लास्ट रिएक्शन आपका, ऐसी चलती रहेंगी रैलियां और ऐसे ही फैलता रहेगा कोरोना? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी ही इसके ऊपर सरकार भी नियंत्रण कर लेगी, और दूसरी बात, ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार नियंत्रण कर लेगी, सिर्फ ये आश्वासन दिया जाता है।
रैलियां लगातार हो रही हैं, लाखों हजारों लोग रैलियों में इकट्ठे हो रहे हैं, ना तो बीजेपी को इस बात की चिंता है और ना ही टीएमसी को इस बात की चिंता है। दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्रेम, दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।